लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे आने दे लल्ला को ये देखना वो की मांग में सिंदूर देखकर ऐसी आग बरसाएगा ना अरे राधिका बेटा ये रखो बेटा अगर एक बार उसे आपकी तबीयत के बारे में पता चल जाएगा ना तो आप देखिएगा वो रुक जाएगा फिर वो इस जिम्मेदारी को एक मजबूरी समझेगा वो ना इस गद्दी के साथ न्याय कर पाएगा ना ही इससे जुड़े कर्तव्यों का पालन कर पाएगा अब तो मैं प्रतिदिन उस क्षण की प्रतीक्षा करूंगा जब वो स्वयं ही सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होगी उसके मन में भी एक पति संतान और परिवार के प्रति आकर्षण जागृत होगा और वो विवाह के लिए स्वीकृति दे देगी हेलो जी जी ये शास्त्री जी का घर है जी हाँ ये तुम हो ना तुम वहां क्या कर रही हो शास्त्री जी के घर पर बोलो ना ये तुम ही हो ना जी मैं राधिका हूँ राधिका जी विशाखा की बहन हूं आप राधिका विशाखा की बहन एक पल के लिए मुझे लगा था जैसे आपकी आवाज मेरे किसी से मिलती है आपकी आवाज सुनकर लगा था कि जी आपको बाबूजी से बात करनी है मैं भी बुलाती हूँ नहीं क्या मैं आपसे थोड़ी देर और बात कर सकता हूँ एक्चुअली आपका और मेरा कभी मिलना हुआ ही नहीं आपसे कभी बात भी नहीं हुई और आप तो ऊपर से विशाखा की बहन है आपका और मेरा तो एक रिश्ता भी है आज अचानक जब फोन पे बात हो रही है तो थोड़ी देर और बात कर लीजिए जी कहिए मैं सुन रही हूँ आपने भी देखा होगा कैसे हर बार आपसे मिलना नहीं हो पा रहा मुझे तो लगने लगा था जैसे आप मुझसे मिलना ही नहीं चाहती ऐसी बात नहीं है तो फिर शायद भगवान हमें मिलवाना नहीं चाहते बस नाम ही सुना था आपका पर इस नाम के साथ कभी कोई चेहरा ही नहीं था वैसे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम किसी से बार बार मिलते तो हैं पर उसका नाम ही नहीं जान पाते
कोई काम बिना बिघन के निपट ना सके। मुझे भी जाना है। किसी से कुछ कहो तो पहाड़ टूट पड़े हैं, पहाड़ सबके ऊपर। राधे कृष्ण की बहुरिया है ना, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये मैं क्या कर रहा हूं? जब मैं तय कर चुका हूं कि मैं सब कुछ भुला दूंगा तो क्यों मैं उसकी परछाइयों का पीछा कर रहा हूं? क्यों दूसरे की आवाज में मैं उसकी निशानियां ढूंढ रहा हूं? नहीं, ये गलत है। अगर मैं इस तरह कमजोर पड़ गया तो खुद से किया वादा मैं कभी नहीं निभा पाऊंगा। मैं जितना उनसे दूर जाना चाहती हूँ उतना ही वो मेरे पास चले आते हैं। यदि ये कैसा खेल खेल रही है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधे आधे मिले आधे खो गए। हम जागे तो सपने सो गए, आधी आधी मिली सारी खुशी। मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। घर में इतने नौकर हैं लेकिन फिर भी नाश्ता अपने पति को अपने हाथों से परोसना चाहिए, यही एक अच्छी पत्नी का धर्म है। हार में जाए ऐसा नाश्ता। मालकिन, क्या है? दूध में क्या डालूं? जहर जी। अब मेरा मतलब है दूध में जो जो डाला जाता हो वो यहाँ टेबल पे लाके रख दीजिए। हर सवाल छोटी बहू से, हर काम छोटी बहू को। इससे तो अच्छा हो कि मैं यहाँ से नहीं, नहीं, इन सब से बचने के लिए अमेरिका जाना तो और भी बड़ी बेवकूफी होगी। आई होप इन्होंने माँ बाबूजी को फोन कर लिया और बाबूजी ने देव के दिमाग से अमेरिका जाने का भूत ही निकाल दिया। आपने घर फोन किया था? जी, मैंने पूछा आपने मेरे घर फोन किया था? हाँ। तो आपने बता दिया माँ बाबूजी को हमारे अमेरिका जाने के बारे में? नहीं, वो मैं जानती थी आप मेरे माँ बाबूजी को कभी फोन करेंगे ही नहीं। आप उन्हें बताना ही नहीं चाहते हमारे अमेरिका जाने के बारे में। आपने तो बस एक जिद ठान ली है कि आपको अमेरिका जाना है, बाकी लोगों से आपको क्या मतलब है? ऐसी बात नहीं है, मैंने फोन किया। तो फिर क्या बोले माँ बाबूजी? फोन तो किया था मगर बात नहीं हो। क्या घर पर कोई नहीं था? अर्जुन को इन कामों में रुचि लेता देखकर हमें बहुत खुशी हो रही। अच्छा ही है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा है। माफ करना भाई साहब, आपकी जगह अगर हम होते ना, अर्जुन पर कभी भरोसा नहीं करते। ऐसा क्यों कह रहे हो शिशिर? देखो वो अपने काम को कितनी अच्छी तरह से संभाल रहा है। करेले की बेल है भाई साहब,
नस नस से जानता हूँ मैं इसको। जब तक गीली है तब तक सीधी, जहाँ पानी उड़ा वापस वही तिरछी की तिरछी। पर मनुष्य जब अपने आप को सुधारता है तो हमेशा के लिए सुधारता है। अर्जुन भी कोशिश कर रहा है, देखना सुशील, एक दिन वो अपने आप को सुधार लेगा। भाई साहब, ये तो आपका बड़ा पर है। हम तो बंसी बजैया से यही प्रार्थना करेंगे कि इस नालायक की सद्बुद्धि ऐसे ही बनी रहे। बस ईश्वर की प्रेरणा से ही तो वो आज हमारी मदद कर रहा है। तुम देखना सुशील, एक दिन अर्जुन अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा। आपसे क्षमा नहीं मांग पाई। मैं जानती हूं मैंने आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है, और आपको लग भी रहा होगा कि मैंने आपके साथ धोखा किया है, आपका अपमान किया है। अगर मैं आपके साथ वो विवाह कर लेती तो आपके साथ धोखा होता, क्योंकि आप विवाहित हैं। जानता हूं, पर ये बात आपको तब समझ आई। हाँ, तब तक मैं दुविधा में थी, लेकिन उस दिन फेरों की अग्नि के सामने मेरी सारी दुविधाएं मिट गई। उस दिन मुझे पता चला कि मेरा मन, मेरी आत्मा किसी और की है। और आप ही बताएं, सब जानते हुए क्या मैं आपके साथ न्याय कर पाती, क्या मैं शादी निभा पाती? मैं आपकी बात समझता हूं, आपके मन की सच्चाई आपकी आंखों में दिखती है। मैं आपका बहुत आदर करता हूं, सच कहता हूं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अपना ध्यान रखिएगा। क्या हुआ? आइए मैं बताता हूं क्या हुआ, आइए मेरे साथ। आइए। ये देखिए इसकी मांग में सिंदूर क्या कर रहा है। तक मुझे पता है ये अविवाहित है। हाँ, संसार के लिए ये अविवाहित है, परंतु इसने अपने आप को कान्हा की भक्ति में इतना समर्पित कर दिया है कि ये स्वयं को कान्हा की ब्याहता मानती है।
ये मारने का अधिकार किसने दिया इसको? जिसे ना जात का पता ना कुल का ठिकाना, जिसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं है, उसे भगवान का ब्याहता कहलाने का क्या अधिकार है? राधिका को मैंने अपनी पुत्री की तरह पाला है, अपने घर के सारे संस्कार इसे दिए हैं। संस्कारों की दृष्टि से ये हमारे कुल की ही है। कान्हा की भक्ति में लीन होकर यदि स्वयं को कान्हा की ब्याहता मान रही है तो इसे स्वयं कान्हा की इच्छा मानकर मैं इसे स्वीकार करता हूं। शास्त्री जी, अरे ये तो अपनी सुध-बुध खो बैठी है, मगर आप तो होश में हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका बोध मुझे है। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपा करके राधिका के इस निर्णय को स्वीकार कर लें और उसे उसी प्रकार का जीवन जीने दें जिस प्रकार का जीवन ये जीना चाहती है। आप पुत्री प्रेम में अंधे हो गए हैं शास्त्री जी। अगर आप इस पागलपन को नहीं रोकेंगे तो हम रोकेंगे। हम एक बात कान खोलकर सुन लीजिए शास्त्री जी, या तो इसे अपनी मांग का सिंदूर मिटाना होगा या तो वृंदावन छोड़कर जाना होगा। क्यों भाइयों? इसको वृंदावन छोड़ के जाना होगा, इसको अपनी मांग का सिंदूर मिटाना होगा, या फिर इसको वृंदावन छोड़ के जाना होगा, इसको अपनी मांग का सिंदूर मिटाना होगा।